व्रत के दिन सुबह के नाश्ते में हम क्या बनाएंगे, ये वाला जो ख्याल है अगले दिन रात को ही हमारे दिमाग में चलता रहता है। फूडी वेब की किचन में आज हम बनाएंगे व्रत का एक नया नाश्ता, जो आप व्रत हो तो भी बना सकते हो, ना हो तो भी ये नाश्ता बहुत टेस्टी है, सबको बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करना और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। ये नाश्ता हम बनाएंगे शकरकंद और आलू से। तो शकरकंद को मैंने यहाँ पर छीलकर पानी में डाल दिया है ताकि ये काले न पड़े। एक कप मैंने यहाँ लिए हैं सामा के चावल, जो व्रत में खाए जा सकते हैं, और ये वाले आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएंगे। कम से कम दो बार पानी से इसे वॉश कर लेंगे ताकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ या पेस्टिसाइड्स वगैरह हो तो निकल जाए। और एक कप मैंने यहाँ सामा के चावल लिए थे, तो उसी कप से सेम मेज़र से हम यहाँ लेंगे दो कप पानी। बिल्कुल राइस की तरह इसके भी जो दाने हैं पानी में जब बॉयल होंगे तो फूलते हैं, तो इसलिए हम इसमें परफेक्ट मेज़र से दो कप पानी मिलाएंगे। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एक आलू, ये आलू को पेल ऑफ करके मैंने कच्चा ही लिया है। इस सामा के चावल के साथ में ये जो आलू है अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, हमें अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मिलाएंगे एक शकरकंद, ये भी कच्चा ही लिया है मैंने पिल ऑफ करके। सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं वही वाला मैं इसमें मिला रही हूँ, तो एक से डेढ़ छोटी चम्मच सेंधा नमक। और ये सब मिला के हम कुकर में दो सीटी आने तक पकाएंगे, बस दो से तीन सीटी लेनी है हमें, ज़्यादा नहीं। लगभग एक इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 हरी मिर्च और कुछ मीठे नीम के पत्ते की पेस्ट मैंने कर ली है। और ये जो हमने सामा के चावल रखे थे कुकर में बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, आप देख सकते हो गाइस, बहुत गर्म है अभी। तो इसे हम दूसरे बाउल में निकाल कर इसमें मसाला कर देंगे, तब तक ये अपने आप थोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर हमें इसे मैश करके इसका डो बनाना है। बाकी सारी सामग्री और सारे मसाले इसमें ऐड करते हैं, तब तक ये अपने आप थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अदरक, हरी मिर्च और मीठे नीम के पत्तों की जो पेस्ट मैंने बनाई थी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये लगभग 2 टीस्पून जितना हुआ है। एक कप मूंगफली के दानों को हम भून लेंगे अच्छी तरह से और उनका दरदरा सा पाउडर बनाकर इसमें ऐड करेंगे। एक चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच मैं इसमें तिल मिला रही हूँ, इससे टेक्स्चर अच्छा आएगा। खट्टा मीठा चटपटा सा इसका टेस्ट मुझे पसंद है, तो मैं इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच चीनी जो ऑप्शनल है, 1 बड़े नींबू का रस यानी कि लगभग 2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस हम मिलाएंगे। फाइनली इसमें जाएगा ढेर सारा हरा धनिया, और इन सब को मिलाकर हम इसके बनाएंगे छोटी छोटी टिक्की। अगर ज़्यादा गर्म लग रहा है तो इसे स्पून से पहले हम मैश कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका बनाएंगे डो। और गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीनी मैंने इसमें ऐड की है ये वाला ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैंने ऐड किया, तो उसी तरह से अगर आपके घर में छोटे बच्चे ये वाला नाश्ता खाने वाले हैं तो अदरक और मिर्ची का जो प्रमाण है आप थोड़ा सा इसमें कम कर सकते हो अपनी चॉइस से। तो आप देख सकते हो मैंने इसका डो बना लिया है, और इस तरह से हम इसकी फ्लैट टिक्की बनाएंगे, और इसे हमें मध्यम आँच पर ऑयल में फ्राई करना है। देखिए इस तरह से इसकी जो किनारियां हैं थोड़ी सी हम पतली रखेंगे ताकि ये ऑयल में फूलेंगे। ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए डो में से एक छोटी सी गोली हम डालेंगे पहले, अगर ये गोली तुरंत ही ऊपर आ जाती है तो मतलब समझो कि ऑयल का टेम्परेचर सही है। और गैस की फ्लेम को मीडियम करके उसके बाद ही हम इसमें टिक्कियाँ ऐड करेंगे। टिक्कियों को ऑयल में ऐड करते हो तब गैस की फ्लेम अगर धीमी होगी तो ये जो टिक्कियाँ हैं तेल में बिखर सकती है, या तो फिर ये टिक्कियाँ ऑयल को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी और ज़्यादा ऑयली से बनने की वजह से खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। जो ऑयल में बबल्स दिखने कम हो जाए उसके बाद ही हम इसमें करछी चलाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इन टिक्कियों को फ्लिप करेंगे और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इसका, इसके बाद में ही हम इसको रिमूव करेंगे। और एक बात गाइस, जिस स्टेज पर आप इन टिक्कियों को बाहर निकालोगे उसकी जस्ट पहले ही आपको जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल हाई कर देनी है, ताकि इन्हें हमें किसी टिश्यू पेपर पर उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल भी ऑयल इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा। और इसी तरह से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सेकेंड बैच। थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर गिर चुका था, मैंने थोड़ा 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ऑयल को हीट होने दिया और फिर मध्यम आंच करके ही मैंने ये टिक्कियाँ इसमें ऐड की है। आप देख सकते हो गाइस, तो ये जो टिक्कीज है बिल्कुल रेडी है, और इन्हें आप सर्व कर सकते हो हरे धनिया की चटनी के साथ में या दही के साथ में भी, ये जो टिक्की है बहुत टेस्टी लगती है।
गाइस, ज़रूरी नहीं है कि बड़े त्योहारों के टाइम पर ही हम व्रत रखते हैं। कई लोगों के घर में सोमवार का, गुरुवार का और शनिवार का भी इवन व्रत रहता है। ऑफिस जाने वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जिस दिन फास्ट रहता है, क्योंकि पूरा दिन भूखे पेट तो हम ऑफिस में काम नहीं कर सकते। कभी कभी भूखे पेट काम करने से तो सर दर्द भी होने लगता है और पूरा दिन ऑफिस में हमें एक्टिव रहना पड़ता है, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ हम टिफिन में लेकर जाएं तो सपोर्ट सा रहता है और अच्छे से हम काम भी कर पाएंगे ऑफिस में। तो ये वाली रेसिपी बहुत यूज़फुल रहेगी ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें, बहुत जल्दी से बन जाता है, बनाने में इजी है और टेस्टी तो ये है ही। तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिएगा फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल के साथ में। जल्द ही फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।